गरियाबंद में मैनपुर ब्लॉक के राजा पड़ाव इलाके के 8 पंचायत के अधीन आने वाले 40 गांव के सैकड़ों ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल जैसी मूलभूत सुविधा की आधी अधूरी व्यवस्था से आक्रोशित है। वर्षों से मांग करते आ रहे ग्रामीणों ने इस बार अपने अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष का पैटर्न ही बदल दिया है। ग्रामीणों ने अब मांगे नहीं माने जाने पर राशन नहीं लेने का फैसला लिया है और इसके अलावा अधूरी स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था का भी बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। तो देखिए तस्वीरें निकलकर गरियाबंद से सामने आई है, जहां पर मैनपुर ब्लॉक के राजा पड़ाव इलाके के 8 पंचायत के अधीन आने वाले 40 गांव में अभी तक मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं और अब आलम यह हुआ है कि लगातार गुहार लगाते लगाते आक्रोश अंदर भर गया है और अब बॉयकॉट करने का इन तमाम व्यवस्थाओं को फैसला लिया है। वहां पर जमावड़ा भी ग्रामीणों का नजर आ रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम गरियाबंद से फोन कॉल पर जुड़े हैं। पुरुषोत्तम, होता है जब मूलभूत सुविधाओं के लिए इंसान को इतना तरसना पड़ता है तो अंदर एक आक्रोश भर जाता है। अब ये ताजा मामला क्या सामने आ रहा है, क्या मांगे हैं ग्रामीणों की? जी देखिए, उस इलाके में जो है करीब दर्जन भर पुल पुलिया हैं जिनकी मंजूरी भी मिल गई है लेकिन टेंडर नहीं हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली के पोल तक लग गए हैं, बिजली के पोल पिछले चुनाव के समय आ गए थे लेकिन तार बिछाई नहीं की गई है। इसी तरह वहाँ के स्कूल है, स्कूल 60 से ज्यादा स्कूल है जिसमें से 30 स्कूल ऐसे है जहाँ पे एक शिक्षक ही है या तो फिर व्यवस्था केवल व्यवस्था पे चलाए जा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो मौजूद है, उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है लेकिन कार्यकर्ता का अभाव है। तो इस तरह से तमाम जो मूलभूत जरूरी सुविधाएं हैं उसको लेकर लगातार ग्रामीण मुखर हो रहे थे, इन समस्याओं को लेकर पिछले 10-15 साल से लगातार करते आ रहे थे लेकिन इस बार ग्रामीणों ने थोड़ा पैटर्न बदल दिया है। इस बार युवाओं की एक टोली को आगे रखा हुआ है, अंबेडकरवादी विचारधारा एक युवा का संगठन किया गया है जिसको ले जो अब मोर्चा संभाली हुई है और नए तरीके से लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई में उन्होंने इस बार बैठक लेकर यह फैसला लिया है। नए तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन क्या प्रशासन का संज्ञान अपनी ओर खींच पाए अभी तक पुरुषोत्तम? जी निश्चित तौर पे, जब 29-30 तारीख को जब ज्ञापन दिया गया था, इस ज्ञापन के बाद जिला प्रशासन बिल्कुल एक्टिव मोड पे है। जब हमने बात किया, हालांकि उन्होंने कैमरा के सामने तो नहीं बताया लेकिन उनका कहना था कि बिजली जो है, चूंकि वो अभयारण्य इलाका है और बिजली के एनओसी के लिए दिल्ली की मंजूरी गई है, एनओसी के लिए दिल्ली भेजा गया है। इसके अलावा जो पुल पुलिया है उसके टेंडर की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। शिक्षा की बात की गई तो शिक्षा, जो शिक्षक की कमी है वो शासन स्तर पे पूरे जिले में कमी है लेकिन व्यवस्था भी की जा रही है। इस तरह से तमाम उनकी जो मांगों हैं उस मांगों पे पाल भी कर दिया गया है और चलिए ठीक है, प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है और विस्तार न्यूज ने भी इस खबर को इसी उद्देश्य से दिखाया है कि जल्द से जल्द ग्रामीणों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए।